नंबर एक, यहाँ पर उनके क्षेत्र की अनुमति पहले से ही है। अभी अभी वह लड़का गाड़ी लेकर बाहर गया है, थोड़ी देर में वह फिर से गाड़ी लेकर वापस आएगा। तो हमें एक तरीका सोचना होगा उसे फंसाने का। उनके घर के पास पार्किंग है, मिल गया। हम सीधे नीचे उतरते हैं, उनके घर की पार्किंग में जाते हैं और वहाँ पर कुछ माइन बिछा देते हैं। हे हे, बस थोड़ा सा ही माइन बिछाना है, ज्यादा नहीं। ठीक है भाइयों, थोड़ा सा माइन बिछा दिया है। थोड़ी देर में वह लड़का वापस आएगा, दरवाजा खोलेगा और गाड़ी पार्किंग में ले जाएगा। जब वह गाड़ी पार्किंग में ले जाएगा तो माइन फट जाएगी और उसे और उसकी गाड़ी को उड़ा देगी। ठीक है, हम यहाँ पर एक सीढ़ी लगाते हैं और यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। अरे, यहाँ एक और सीढ़ी लगाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। हम यहीं रहेंगे और उस लड़के का इंतजार करेंगे। कुछ हो रहा है भाइयों, वह लड़का गाड़ी लेकर वापस आ गया है। हम थोड़ा छिपकर रहेंगे ताकि वह हमें देख न सके। अब वह अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गया है। वह गाड़ी से उतरकर अपने घर का दरवाजा खोल चुका है। दरवाजा खोल दिया, अब वह गाड़ी अंदर ले जाएगा। जल्दी 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 गाड़ी अंदर ले जा, शायद उसे घर की पार्किंग में माइन नहीं दिखी। ठीक है, सीधे अंदर ले जा। हाँ हाँ, गाड़ी और आदमी दोनों हवा में उड़ गए। वह लड़का भी बीबीक्यू हो गया यार। रुको, अभी मैंने उनके घर की पहली मंजिल पर एक बिस्तर देखा। थोड़ी देर में वह शायद बिस्तर पर पुनर्जीवित होगा, तो हमें उसके लिए एक और जाल तैयार करना होगा। पहले बैग से C4 निकालते हैं और इस C4 का उपयोग करके उसके घर को उड़ा देते हैं। पहले एक C4 फेंकते हैं, दो तीन। ठीक है, C4 फटने लगा है क्या? पहले उसके घर को थोड़ा उड़ा देते हैं, लेकिन पूरा घर नहीं उड़ाना है। ठीक है, अब इतना काफी है। अब चलिए बैग से ब्लूप्रिंट निकालते हैं और फिर उसके बिस्तर के पास एक मजबूत बाट लगाते हैं ताकि वह वहां फंस जाए और बाहर न निकल सके। इस तरह हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह सुरक्षित और नियंत्रित रहे।